हैदराबाद गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल जहां रोजाना की बुनियाद पर मरीजों के रिश्तेदारों से मुबैना तौर पर रकम का मुतालबा किया जा रहा है। तिबी अमले पर इल्ज़ाम है कि लड़के या लड़की की पैदाइश पर 4 से 5 हज़ार रुपये तलब किए जा रहे हैं। मरीजों के रिश्तेदारों का दावा है कि अमले की जानिब से तसाहुली का मुजाहरा किया जा रहा है और रकम ना देने की सूरत में मरीजों के इलाज में ताखिर की जाती है या उन्हें अस्पताल चले जाने की धमकी दी जाती है। ये सूरत हाल अवामी एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में तिबी अमले का रवैया और मरीजों की जानिब अदम तवज्जो से अवाम का इन सरकारी अस्पतालों से एतमाद खत्म हो जाएगा। अलग रूम में ले आके बैठा के बोल रहे कि पैसे दियो, मुंह दिखाई दियो, बोल के बोल रहे 4 हज़ार दियो, 5 हज़ार रुपए दियो, बोल कितना भी पैसा दो, बच्चा आज बाहर आ जाते ना, जब अंदर जाके ये करते सब लोगों को अच्छे से डिलीवरी वो नहीं करते। कल 8:30 को डिलीवरी हुई और पैसों के लिए परेशान कर रहे हैं, 3 हज़ार ये डॉक्टर्स परेशान कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना और अवामी नुमाइंदों को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इस मामले में मुदाखलत करें और रिश्वत खोर मेडिकल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि मरीजों के साथ इंसाफ हो सके। ये एक अहम मामला है जो सेहत के निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत को उजागर करता है। अवाम को ये यकीन दिलाना होगा कि वो महफूज हाथों में है और उनकी सेहत की देखभाल में कोई रुकावट नहीं आएगी। वालेकुम, मेरा नाम सैयद हबीब अली है, मैं शमसाबाद से आया हूँ यहाँ पे। कल 8:30 को मेरी बेटी हुई और इतना अलग रूम में ले आके बिठा के बोल रहे कि पैसे दियो, मुंह दिखाई दियो, बोल के बोल रहे 4 हज़ार दियो, 5 हज़ार रुपये दियो, बोल रहे डिमांड कर रहे हैं आप? डिमांड कर रहे हैं लोग। और दिए उनको पैसे? जी हाँ, देना पड़ा। 3 हज़ार रुपये तो ले लिए लोगों, लेके जब दिए बच्चे को। और यहाँ पे सेक्रेटरी वाले जो भी है हर चीज़ को पैसे ले रहे, 300, 400, 500 ऐसा ले लेते आ रहे। हर जगह डिमांड कर रहे ना, हर चीज़ में एक जगह। तो आप किसी के ऊपर भी शिकायत नहीं करें? किसी को भी नहीं, किसी पे भी नहीं करें, शिकायत नहीं करें, शिकायत किसी पे भी नहीं करें, शिकायत तो कंप्लेंट नहीं करें, नहीं नहीं करें। मीडिया को बुला के आप बोल रहे हैं? जी हाँ। मेरे नाम चंद्रिका है, अंदर मेरी दीदी है अभी। तो कितने पेन सारे तो भी जल्दी नहीं खेल करते इन लोग, कितना भी पेन सारे दो, बच्चा आज बाहर आ जाते ना, जब अंदर जाके ये करते सब लोगों को अच्छे से डिलीवरी वो नहीं करते, कोई भी रो पैसे 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 चाहिए काम देता नाम का ही। हाँ, ये तो नाम का ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन इसमें काम करने वाले सब लोग पैसे लेके ही काम करते, और हम लोग कुछ बोले था ना तो हमारे के ऊपर फिर चिल्लाते कुछ। कितने दिन से आप लोग यहाँ? नहीं, आज ही एडमिट हुए। तो मेरे दीदी को बहुत पेन आ रहे, ब्लीडिंग हाफ ब्लीडिंग हो रहे, तो अभी खेल भी नहीं कर रहे। हम महेश्वरम से आए हैं। अभी अंदर ही है अभी। क्या वो इतने पेन्स के लिए इतने क्या बोलते ये कर रही, पेन्स निकाल रहे तो अभी अंदर नहीं जाने दे रहे वो लेबर रूम में। एक आंटी को 200 रुपए दिए और अब ये आंटी को अंदर फुल पेन्स आ रहे, अंदर लैब डिलीवरी वार्ड में लेके जाके एक बार चेक करो। आंटी बोले तो बात ही नहीं सुन रही। अब मम्मी उन लोगों को क्या मालूम, अब तो थोड़ा अनएजुकेटेड पीपल्स रहते ना मम्मी उन लोग, तो वो कई को ऐसे कर ऐसे से थोड़ा चिल्लाते ना, तो उसके ऊपर चिल्ला के तेरी मम्मी ऐसे बोली ना, हम कई को करना, तुम जाके चला लेके जाओ, ऐसे बोलते। उनको पैसे दिए आप? हाँ, नाइट शिफ्ट करने के आगे एक आंटी थी उसको दिए। कितने दिए? 200 रुपये। 200, 400 रुपये? हाँ, नहीं नहीं, एक ही 200 दिए। हाँ, काम आपको देख रहे थे। हाँ, बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग शमशाबाद से आए थे यहाँ पे डिलीवरी के लिए। ये जज्वी खाना बोलते हैं, सिटी कॉलेज हॉस्पिटल के पास में। आप लोग ये कल आए थे? कल 8:30 को डिलीवरी हुई और पैसों के लिए परेशान कर रहे हैं, 3 हज़ार ये डॉक्टर्स परेशान कर रहे हैं। डॉक्टरों को देना है और दायों को देना है, पैसे रहो नहीं रहो परेशान कर दे रहे। 4 हज़ार दो, बच्ची को नहीं दिखाते, बच्चा हुआ बच्ची हुई कुछ बोल रहे नहीं, मुसलसिल परेशान कर दे रहे। जब तक पैसे नहीं दिए जब तक वो लोग टॉर्चर कर रहे। एक मानो में फोन कर रही है ये अंदर से, दाया और डॉक्टर को खुशी से दो, दाया बोलती 500 दो, बच्ची को जब तक नहीं देते। और ना बच्चा हुआ बोल रहे ना बच्ची हुई बोल के बोल रहे, एकदम क्रिटिकल है बोल के बता दे रहे हैं। यहाँ पे परेशान कर दे रहे, नॉर्मल डिलीवरी हुई खुशी से देना पड़ता ऐसा वैसा बोल के परेशान कर रहे, पैसे देना ही देना है। हम लोग कल आए और शाम में 8 बजे 8:30 बजे डिलीवरी हुई और अभी भी बच्ची यहीं पे है। आने को जाने को हर चीज़, विजिटिंग आवर्स में भी पैसे देना है। अब तक कितने पैसे दिए आप?
अब 5-6 हज़ार से ऊपर हो गए पैसे दे दे के। चुप, पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करे आप? यहाँ पे कोई अभी अब आप लोगों के ऐसे टॉर्चर देख देख के हम बोल रहे हैं, नहीं तो कोई तो बोलने को तैयार ही नहीं है यहाँ पे। अभी तक कितनों के साथ हो आप देखे? अब बहुत जनों के साथ में हो रहा, हर कोई एक परेशान हो जा रहे, पैसे नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कह के लिए आते, पैसे नहीं लगते बोल के आते, यहाँ पे आने के बाद परेशान कर दे रहे हम लोगों को। तो इसकी शिकायत कोई ऊंचे डॉक्टर वगैरह को नहीं करे आप लोग यहाँ पे? पूरे जने मैनेज में है वैसा ही लग रहा। वहाँ पे बच्चों को देते ही नहीं, कौन क्या हुआ किधर हुआ बोल रहे नहीं, बता रहे भी नहीं बच्चों को क्या हुआ, बच्चे हुआ बच्ची हुई वो लोग कैसा है क्या है कुछ बोल रहे नहीं। ऐसा दिख रहा जैसा बाकी है यहाँ पे हम लोग आए तो। आप लोग आए गवर्नमेंट हॉस्पिटल? हाँ, गवर्नमेंट यहाँ पे परेशान कर दे रहे हमारे को। शमशाबाद से आए हम लोग। शमशाबाद जी। अभी आपकी जो हुए उनको उनको कुछ प्रॉब्लम करे क्या, कुछ बोले क्या? नहीं, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करे, मगर अभी बता रही नहीं, बच्ची हुई माँ को तक नहीं मालूम हो रहा कि क्या है बोल के। बच्ची को अंदर ले ले रहे, बच्चा हो या बच्ची हो अंदर ले ले रहे उनको। क्या बोल रहे ले लेके क्या बोल रहे पता नहीं। मतलब पहले पैसे दो। हाँ। देना पड़ता ऐसा बात कर रहे जैसा बाकी है इस तरीके से बोल। मैं बहुत जनों को देख रही हूँ यहाँ पे, बहुत जनों को देख रही हूँ, सब जनों को यही टॉर्चर कर रहे। अब तकरीबन लोग पूरे परेशान हो रहे पैसों के लिए। अभी हमारे बच्चे के पास में एक और एक लेबर रूम में है, उनको बोल रहे नहीं क्या हुआ क्या नहीं है। अभी भी हम देख रहे हैं हमारे बच्चे के फोन पे ही फोन पे पैसे डालाने लगा है बच्चा, किस किस को भी बोल के। किसके नंबर पे डाले फोन? हमारे पास फोन पे पैसे डालाने लगा रहे, उनके पास गूगल पे वगैरह नहीं है बोल के। कैश दिया आप लोगों को? गूगल डाले आप? नहीं नहीं, कैश देना पड़ रहा, गूगल वगैरह नहीं ले रहे वो लोग जी। मुतालबा तो बराबर है लोगों का, दे बोल के पैसे।